सबसे पहले ये जिस दिन हमारे यहाँ मंडवा का कार्यक्रम किया जाता है, मंडपा का काम किया जाता है, उसे मंडपा छाजन कहते हैं। तो मंडपा छाजन का शाब्दिक अर्थ हुआ कि हम वगैरह जो गाड़ते हैं वो उसके ऊपर जो हम कुछ पाठ लगाते हैं, जिसे पर्दा लगाते हैं, हार करते हैं, छाते हैं, इसलिए उसका नाम है छाजन, मंडपा छाजन। लेकिन ये कब किया जाता है मट कोड़वा, मिट्टी कोड़ने का काम, ये सबसे पहले संध्या के समय में करीब करीब 6 बजे से 7 बजे के बीच में यह भी रस्म है। उधर सबसे पहले मिट्टी कोड़ने का काम इसलिए किया जाता है कि हमारे यहाँ जो भी देवी देवताएं हैं वो सभी का मिट्टी में ही वास है, तो सबसे पहले हम उनका आह्वान करते हैं और उस मिट्टी के ही प्रतीक को मान करके, अर्थात देवी देवताओं का रूप मान करके, अब सबसे पहले एक स्थान है जिसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग मिट्टी ले जाएंगे। एक रस्म है अपने यहाँ ये देहात में, गांव में, जिसे लोकाचार भी कहेंगे और वैदिक रूप में भी कहेंगे। तो लोकाचार ये है कि किसी किसी जगह पर लोग ने मान लिया कि यहाँ से ही मिट्टी को कोड़ना है, एक समाज ने हमारा उस स्थान को बना दिया। लेकिन मिट्टी कोड़ने का शाब्दिक अर्थ ये है कि हम वहाँ पर सभी देवताओं का आह्वान करते हैं और उस देवताओं का आह्वान करके हम अपने उसी मंडप में पहले रखते हैं, अपने कुल देवता पर उसी मिट्टी को रखते हैं कि इसी मिट्टी से सारे चीज़ तैयार किए जाते हैं, चाहे वह मूर्ति बनाने का कार्य हो तो या किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कर्म हो तो वो मिट्टी का ही वहाँ पर प्राथमिकता है, इसलिए सबसे पहले वो वहाँ पर मिट्टी कोड़ने का भाव दिया गया। हुआ कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों, मिट्टी क्यों दिया गया, तो इसलिए कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, मतलब कि विष्णु की पत्नी हमारी धरती माँ रही है, इसलिए सबसे पहले हम मिट्टी अर्थात लक्ष्मी माँ को अपने यहाँ बुलाते हैं, विष्णु भगवान को बुलाते हैं, तब अपना कार्य को प्रारंभ करते हैं। कौन से जगह से मिट्टी लाने की परंपरा, मुख्य रूप से कहाँ से लानी चाहिए लोगों को? जो ऐसे मुख्य रूप से जहाँ पर देव स्थान है वहाँ से इस मिट्टी को लानी चाहिए, लेकिन जहाँ लोक समाज ने पहले से बना दिया है, जो हमारे सिद्ध सज्जन पुरुषों ने, विद्वान व्यक्ति ने जो बना करके दे दिया है, उस स्थान से लोकाचार में हम लोग लाते हैं, लेकिन ऐसे देव स्थान से उस मिट्टी को उठाना चाहिए।